हम पाठ एक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ठोस अवस्था। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ठोस क्या होता है, ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे हाथ में ये पेन है, ठीक है, देख रहे हो सॉलिड है, थोड़ी सी अंदर से पहले खोखली है लेकिन सॉलिड है। हाँ, तो इसका क्या है, आकार है, आयतन है, सब निश्चित है, ये ठोस है। तो ऐसे ठोस क्या है, वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, तो उसे ठोस कहते हैं। तो उसे ठोस कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है तो उसे ठोस कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल आपको दें, तो एग्जाम्पल में आपको बता है कि जो हमारा लोहा है, चांदी, सोना, लकड़ी, ये सब हमारे क्या हैं, सॉलिड हैं, क्योंकि इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो ठोसों के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं ठोसों का भौतिक गुण। ठोसों का भौतिक गुण क्या है, तो ठोसों के भौतिक गुण में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ठोस जो होते हैं वो हमारे कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं। बोल सकते हैं कि ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं, यानी मजबूत होते हैं। ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं, ठीक है, मजबूत होते हैं, और इनका आकार व आयतन निश्चित होता है, ये तो पता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इनका आकार व आयतन निश्चित होता है, ठीक है, इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। और हम लोग जानते हैं इन्हें जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये काफ़ी टेम्परेचर पर, यानी ज़्यादा टेम्परेचर पर ही द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं। तो इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, और इन्हें गर्म करने पर ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हें गर्म करने पर ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हें गर्म करने पर ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और जानते हो इनमें संपीड्य का गुण नहीं होता, यानी दाबने पर ये कंप्रेसिबल नहीं होते, यानी पिचकते नहीं हैं। मतलब ज़्यादा क्यों नहीं पिचकते हैं, क्यों नहीं संपीड्य होते हैं, क्योंकि इनके अणु बहुत पास पास होते हैं। हम लोग लिख सकते हैं इनके अणु बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, जिनके कारण इनमें संपीड्य का गुण नहीं होता, इनमें संपीड्य का गुण नहीं होता है, ठीक है, इनके कारण इनमें संपीड्य का गुण नहीं होता है। ठीक, तो ये हमारे कुछ ठोसों के भौतिक गुण थे। तो हम लोग पढ़ते हैं ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण यानी ठोसों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो ठोसों को दो वर्गों में बांटा गया है, क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस। तो ठोसों को दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। पहला क्रिस्टली ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला क्रिस्टली ठोस। क्रिस्टली ठोस क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो क्रिस्टल ठोस होते हैं उनमें जो घटक कण होते हैं, यानी जिनसे वो ठोस मिलकर बना है, वो कण एक नियमित व्यवस्था में होते हैं और दीर्घ परास में होते हैं, यानी बहुत लंबी दूरी तक चले जा सकते हैं। और इनके घटक कण जो होते हैं, यानी जो इनका कण होता है जिससे ये मिलकर बना होता है, वो बहुत पास पास होते हैं, और यदि हम इन्हें किसी तेज धार औजार से काटेंगे तो ये समतल दो भागों में बट जाते हैं। तो ऐसे ठोसों को हम लोग क्रिस्टली ठोस कहते हैं।
ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वे ठोस जिनके घटक घटक्कड़ का मतलब होता है जिनसे मिलकर वो बना हुआ है हमारा ठोस, ठीक है, वे ठोस जिनके घटक्कड़ नियमित नियमित कामा दीर्घपरास तथा ये कण बहुत पास पास होते हैं, ये कण बहुत पास पास होते हैं, तो ऐसे ठोस को क्रिस्टली ठोस कहते हैं, तो ऐसे ठोस को क्रिस्टली ठोस कहते हैं, ठीक है, वे ठोस जिनके घटक कण नियमित दीर्घपरास तथा ये कण बहुत पास पास होते हैं, तो ऐसे ठोस को क्रिस्टली ठोस कहते हैं, ठीक है, या इन्हें किसी तेज धार औजार से काटा जाए, या इन्हें किसी तेज धार औजार से काटा जाए या इन्हें किसी तेज धार औजार से काटा जाए तो ये समतल दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, यानी कट जाते हैं, ठीक है, और क्या होता है, ये ठोस विषम दैशिक होते हैं, ये ठोस विषम दैशिक होते हैं, ठीक है, यानी हमें ये समझना है कि विषम दैशिक क्या है, ठीक है, विषम दैशिक का मतलब दिशा बदल देने पर इनमें भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ऐसा कैसे, हम लोग देखते हैं, जैसे हम मान ले हमारा ये कोई सॉलिड है जिनमें घटक कण हमारे जुड़े हुए हैं, ठीक है, हमारे ये घटक कण क्या हैं, जुड़े हुए हैं, तो इनमें क्या होता है कि जो ठोस के कण होते हैं वो नियमित व्यवस्था में होते हैं, ठीक है, उनका जो ऑर्डर होगा, जो एक रेंज होगा वो निश्चित होगा। जैसे हम कहें, मान लो कोई आयनिक क्रिस्टल है, तो ये धनायनों और ऋणायनों से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है, ठीक है, तो एक धनायन के बाद एक ऋणायन, एक ऋणायन के बाद एक धनायन आएगा, ठीक है, तो हम देखें अगर इस दिशा से चलें, इस एक्सिस पर चलें, तो धनायन ऋणायन हो रहा है, यानी धनायन के बाद ऋणायन आ रहा है। अगर हम दिशा बदल दें, देखो इस डायरेक्शन से चलें, तो धनायन 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 आ रहा है, तो यानी हमने जब इस दिशा में चला तो देखा धनायन के बाद ऋणायन आ रहा है, लेकिन जब हमने दिशा बदल दिया तो केवल धनायन धनायन आ रहे हैं, तो यानी इनके क्रम क्या हो गए, बदल गए, तो इनका जब ऑर्डर बदल गया तो इनका गुण क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, इसीलिए क्या होते हैं, ये विषम दैशिक होते हैं, हमारे क्रिस्टली ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, विषम दैशिक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो क्रिस्टली ठोस के एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे NaCl, KCl, कॉपर, चांदी, सोना, लोहा, फास्फोरस, सल्फर आदि हमारे क्या हैं, सब क्रिस्टली ठोस हैं। क्लियर है, क्रिस्टली ठोस क्या है, वे ठोस जिनमें घटक कण नियमित व दीर्घ परास की व्यवस्था में होते हैं, तो उसे क्रिस्टली ठोस कहते हैं। इन ठोसों को अगर किसी तेज धार औजार से काटें तो ये समतल दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, और ये ठोस विषम दैशिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हमारा है अक्रिस्टली ठोस, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एम्फोरस सॉलिड, क्या कहते हैं, एम्फोरस सॉलिड, अक्रिस्टली ठोस। अक्रिस्टली ठोस में क्या होते हैं, इनमें घटक कण की कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती है, मतलब कोई भी कैसे भी आके जुड़ जाता है, और इनमें जो घटक कण होते हैं वो अनियमित व्यवस्था में होते हैं, और ये लघु परास में होते हैं, यानी ज्यादा लंबे तक नहीं होते हैं, और इनके घटक कण यानी जो अणु होते हैं जिनसे मिलकर ये बना होता है वो क्रिस्टली ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग अक्रिस्टली ठोस कहते हैं। लिख सकते हैं वे ठोस
वे ठोस जिनमें घटक कण, वे ठोस जिनमें घटक कण अनियमित कामा लघु परास की व्यवस्था में होते हैं, अनियमित कामा लघु परास की व्यवस्था में होते हैं, व्यवस्था में होते हैं, तो ऐसे ठोस को अक्रिस्टली ठोस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ठोस को अक्रिस्टली ठोस कहते हैं, ठीक है। इनमें समदैशिक प्रवृत्ति होती है, इनमें समदैशिक प्रवृत्ति होती है, ठीक है। और इन ठोसों को किसी तेज धार औजार से काटा जाए, तो ये खुरदुरे भागों में विभक्त हो जाते हैं, ठीक है। खुरदुरे भागों में विभक्त हो जाते हैं। ये समदैशिक कैसे होते हैं आओ हम बताएं, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई सॉलिड है, इनमें घटक कण है, इनमें कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है, धनायन आएगा कि ऋणायन आएगा, ऋणायन आएगा कि धनायन आएगा, ऐसा कुछ ऑर्डर फिक्स नहीं है। तो हम चाहे जिधर से देखेंगे, धनायन के बाद ऋणायन, ऋणायन धनायन, चाहे जिधर से देखेंगे, ठीक है। तो वो इनमें व्यवस्थाएं कुछ भिन्न तरीके की होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है कांच, रबर, दही, पनीर, ठीक है, पनीर, प्लास्टिक, ये सब हमारे क्या हैं, अक्रिस्टली ठोस हैं, ठीक है। ये सब हमारे क्या हैं, अक्रिस्टली ठोस हैं। तो अब हम अगली हेडिंग पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली ठोसों में अंतर। क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली, क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली ठोसों में अंतर, ठीक है। क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली ठोसों में अंतर। तो देखो अंतर में हम लोग क्या लिखते हैं, जो हम उनमें पढ़े होते हैं वही अंतर में लिखना होता है। जैसे हमने पढ़ा जो क्रिस्टली होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं और ये समदैशिक होते हैं, और जो क्रिस्टली ठोस होते हैं उनमें घटक कण नियमित व्यवस्था में होते हैं, अक्रिस्टली में घटक कण अनियमित व्यवस्था में होते हैं। इनमें घटक कण क्रिस्टली ठोस में घटक कण क्या होते हैं, दीर्घ परास की व्यवस्था में होते हैं, इनमें घटक कण लघु परास की व्यवस्था में होते हैं। इन्हें किसी तेज धार औजार से काटा जाता है तो ये समतल भागों में विभक्त होते हैं, ये खुरदरे भागों में विभक्त होते हैं। तो ये सब अंतर लिखना है हमें, ठीक है। तो हम लिख दे रहे हैं ये नियमित क्रम में होते हैं, या लिख दे रहे हैं इनमें घटक कण क्रिस्टली ठोसों में अंतर पढ़ने वाले हैं। तो इनमें घटक कण यानी क्रिस्टली ठोसों में, इधर हम क्रिस्टली ठोस लिखेंगे, क्रिस्टली ठोस इधर हम लिखेंगे और इधर अक्रिस्टली ठोस लिखेंगे, ठीक है। तो जो क्रिस्टली ठोस होते हैं इनमें घटक कण नियमित व्यवस्था में होते हैं, ठीक है। इनमें घटक कण क्या होते हैं, नियमित व्यवस्था में होता है या होती है, और इनमें घटक कण अनियमित व्यवस्था में होते हैं। इनमें घटक कण क्या होते हैं, अनियमित व्यवस्था में होते हैं, ठीक है। और दूसरा हम इधर लिख सकते हैं इनमें दीर्घ परास की व्यवस्था होती है। इनमें जो घटक कण होते हैं वो क्या होते हैं, हाई रेंज में होते हैं। इनमें घटक कण दीर्घ परास की व्यवस्था में होते हैं, ठीक है। और इनमें घटक कण लघु परास की व्यवस्था में होते हैं, इनमें घटक कण लघु परास की
व्यवस्था में होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, इनमें विषम दैशिक गुण होते हैं, इनमें विषम दैशिक गुण होता है, ठीक है, इनमें विषम दैशिक गुण होता है और इनमें सम दैशिक गुण होता है, इनमें सम दैशिक गुण होता है, ठीक है। और चौथा, इनमें यानी इन ठोसों को तेज धार औजार से काटा जाए तो ये समतल भागों में विभक्त हो जाते हैं, समतल भागों में विभक्त हो जाते हैं, ठीक है। और इन्हें अगर किसी तेज धार औजार से काटा जाए, इन ठोसों को तेज धार औजार से काटा जाए, तेज धार औजार से काटा जाए तो खुरदुरे भागों में विभक्त होते हैं, खुरदुरे भागों में विभक्त होते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा अंतर, हम लोग इतना अंतर लिख सकते हैं, ठीक है।